नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जो कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कुछ इस तरह से, इसमें करंट फ्लो हो रही है और किसी भी पॉइंट पी पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसके बारे में हमको जो है बताना है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, और इसको मिलाओ आप यहाँ पे और बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रेट, ये रेडियस हो गया आर। इस एंगल को मानते हैं अल्फा वन, कुछ भी एंगल नाम देना है बस, ये अल्फा टू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये अगर हम अल्फा वन है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये अगर अल्फा वन है ऊपर की तरफ नॉन नेगेटिव वाला एंगल है, तो नीचे कौन सा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव वाला एंगल। तो ये अल्फा टू क्या होगा, नेगेटिव अल्फा टू, ठीक है। अब इस पॉइंट पर बनने वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हम इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला डिपेंड करेगा अल्फा वन और अल्फा टू पर, क्योंकि हमको अल्फा वन, अल्फा टू और आर के बारे में पता है, तो ये नोन क्वांटिटी के थ्रू हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। अब देखो हमारे पास लेकिन जो बायो सावर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो तो आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर ऐसे करके होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अल्फा वन और अल्फा टू दो एंगल हैं, तो हमारे वाला जो फॉर्मूला है, जो एक करंट एलिमेंट है, उस एलिमेंट वाला जो फॉर्मूला जिसमें साइन थीटा, थीटा की टर्म में जो एंगल आ रहा है, वो सभी अननोन चीज़ों को हमको इस नोन चीज़ों में कन्वर्ट करना है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड बता दे भाई इस पॉइंट पर क्या होगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। अब डी एल, अब हम यहाँ पे जो है एक स्मॉल लेंथ वाला एलिमेंट ले लेते हैं डी एल, ये हमने ले लिया, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना है इस पॉइंट पर, ये एलिमेंट की वजह से, लेकिन हमको बताना है कि भाई ये पूरा का पूरा कंडक्टर इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आइडियल 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 आइडियल, हम जो है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि फाइव वन से फाइव टू तक ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम मिला देते हैं इस वाले पॉइंट को, ये रेडियस है आर, और इस वाले पॉइंट से भी ये बहुत बहुत क्लोज है आपस में, ये थोड़ा समझाने के लिए जो है बड़ा बना रखा है इसलिए। अब यहां से फिर दोबारा से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, यहां पर मिला दिए, ये एंगल को हम नाम दे देते हैं डी अल्फा, ठीक है। अब ठीक है, अब आ जाइए आगे की बात करते हैं, थोड़ा आगे ये है, ये इसको मिलाया हमने यहां, और यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा, देखो ये किस तरह से इसको मिलाया, ये डी एल, ये डी एल, ये डी एल, एंगल है थीटा, इनको नाम देते हैं ए बी सी डी ई और ये है पी, ठीक है। अब ये हो गया डी एल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ई और डी ये है, ई और डी ये है, और ये हो गया हमारे पास सी, सी डी ई, सी डी ई,
ये वाला एंगल थीटा, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पे इस तरह से, ये वाला एंगल थीटा इस तरह से, थीटा सी डी ई, सी डी ई, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से, अब हम पहले जो है रिप्लेस करते हैं साइन थीटा को। हमारे पास साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, साइन थीटा इज डी ई, डी ई ओवर डी एल, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, डी एल, डी एल। तो डी ई हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। तो डी एल साइन थीटा की जगह हम लिख देते हैं इसमें क्या, डी डी ई, डी ई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये हमने डी ई लिख दिया। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब आगे देखो डी ई, डी ई कौन है हमारे पास, ये और ये डी ई है, ये डी ई है, ये डी ई है। अब देखो ये डी ई है, ई डी, और कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट पी पे जाके, पॉइंट पी पे जाके मिल रहे हैं ये, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, ये एंगल है डी फाइव, डी फाइव सॉरी एल्फा, एल्फा टू डी एल्फा। अब हमको पता है डी एल्फा इज इक्वल टू ई डी, ई डी या फिर डी ई, डी ई ओवर आर, आर। अब डी ई की जगह क्या लिख दो, डी ई की जगह लिख दो आर मल्टीप्लाई बाय डी एल्फा, डी ई की जगह पर लिख देते हैं आर मल्टीप्लाई बाय डी एल्फा, डी एल्फा, ठीक है। देखो आर 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 हमको पता है ये वाली इन टर्म्स ऑफ आर रहा है, अब ये आर से ये आर, हमारे पास बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ आर। अब देखो ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ आप, जो है ये वाला जो कैपिटल आर है ना, ये वाला कैपिटल आर इसके लिए है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये कॉस अल्फा टू वाला, अल्फा टू वाला, ठीक है, इस अल्फा टू वाले ट्रायंगल में ये रेडियस है आर और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। ये रेडियस है आर और इनमें से कोई भी लेंथ ले लो, देखो ए, ये वाली, ये रेडियस कितना है आर। अब ये पूरा का पूरा तो एंगल अल्फा टू है, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये एंगल लें, ये वाला ए, ये वाला, ये वाला एंगल अगर हम लें सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये इसको नाम दे देते हैं एम, एम पी और डी, ये वाला अगर हम एंगल हम दे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एम पी और ये वाला पॉइंट सी, एम पी और पॉइंट सी के लिए ये वाला एंगल। अब इसको एक मिनट के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो ये एंगल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा मान लेते हैं इसको, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। अब इस अल्फा एंगल को यूज करते हुए हमको बनाना है जो हमको क्वांटिटी गिवन है, जैसे कि कैपिटल आर है, अल्फा वन है, अल्फा टू है, ये गिवन है, तो हमको इन चीजों में बनाना है, इन चीजों में बनाना है, तो हमको आर में बनाना है। आर किस में आ रहा है, आर आ रहा है, देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, बेस किस में आता है, कॉस में, क्योंकि आर हमको गिवन है, सॉरी आर हमने ये मान लिया ये आर है हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर ओवर आर, कॉस बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो आर की जगह मैं पुट कर देता हूं, आर को ले आते हैं हम यहां पर, आर को ले आते हैं हम यहां पर और कॉस अल्फा को यहां पर, तो आर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय कॉस अल्फा, आर इज इक्वल टू आर आ गया नीचे, कॉस अल्फा आ गया ऊपर, ठीक है।
आप देखो ये सब चीजें हमारे पास जो है आ गई, रेडियस इन टर्म्स ऑफ रेडियस यहां से और यहां तक की बिल्कुल स्ट्रेट टू दी आर, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब यहां पे करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये वाला जो अल्फा वन है ना, अल्फा वन से लेकर अल्फा टू तक जो सबसे पहले गिवन था, हमने जो सबसे पहले लिया था अल्फा वन से अल्फा टू तक जो कि ए से बी तक है। अब इसको यहां से हटा देते हैं, अब बनाते हैं इसको, अब इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन अल्फा वन से माइनस अल्फा टू तक, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव अल्फा टू है। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, और यहाँ पर ना ये सॉरी यार म्यू ओवर 4 पाई भी होगा, यहाँ पे मैंने लिखा दिया है सॉरी इसके लिए, म्यू ओवर 4 पाई आई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, देखो मेन चीज समझने वाली ये है, फॉर्मूला तो आपको पहले भी पता ही होगा कि भाई पाइथागोरस लॉ से फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन इसका भी अल्फा वन से नेगेटिव अल्फा टू तक, तो आ जाओ बी इज इक्वल टू म्यू आई ओवर 4 पाई आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करते हैं। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस अल्फा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये होगी लिमिट अल्फा वन से नेगेटिव अल्फा टू तक। तो आ जाओ बी इज इक्वल टू म्यू आई 4 पाई आर, ठीक है, साइन नेगेटिव अल्फा टू, ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट लगाते हैं अल्फा वन से अल्फा टू, साइन अल्फा वन माइनस साइन नेगेटिव अल्फा टू। अब ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस, ये आ जाएगा साइन अल्फा टू। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा। और देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अननोन क्वांटिटी है उनको हटाकर नॉन क्वांटिटीज में जो है रिप्लेस करना है, अल्फा वन अल्फा टू ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, और इस पॉइंट से अल्फा टू एंगल बनाता है। रेडियस ये वाला रेडियस हमको पता है, आई जो इसमें मूव कर रहा है, म्यू म्यू नॉट, यहाँ पे ये क्या हो गया म्यू नॉट, फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7, ये हम जो है जो प्लेस कर देंगे, हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना है निकल कर आ जाएगा। अब इसमें ना कुछ अलग अलग केसेस भी ले लेते हैं, इनको स्पेशल केसेस बोलते हैं। स्पेशल केसेस में फॉर्मूला यही रहने दो, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटाकर दोबारा से बना, ये हो गया भाई कुछ इस तरह से ऐसे, ये रेडियस आर, यहाँ पे ये अल्फा वन ये नेगेटिव अल्फा टू। अब ये वाला जो पॉइंट है ना पी, हम मान लेते हैं कि भाई ये वाला कंडक्टर है, ये वाले कंडक्टर के बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल मिडिल में है और इसके बिल्कुल नियरेस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इसके क्लोज है। अब ये वाला पॉइंट है मान लो और ये मिडिल में है, जब इसके बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा तो ये वाला एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्स बिल्कुल आते आते क्लोज होते 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 होते, पहले कितना था देखो, पहले मान लो ऐसे था,
अब आता गया नजदीक 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 आता गया क्लोजेस्ट हो गया बिल्कुल 90 डिग्री के। तो अल्फा वन भी कितना हो गया 90 डिग्री, अल्फा टू भी 90 डिग्री। अगर अल्फा वन और अल्फा टू जो है अप्रोक्स 90 डिग्री के बराबर है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 4 पाई आर साइन 91, साइन 91 1 प्लस 1 2 और ये हो गया 2। व्हेन अल्फा 1 अप्रोचिंग 90 डिग्री एंड अल्फा 2 आल्सो, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों मिडिल में है और मिडिल में है, ठीक है बिल्कुल दोनों मिडिल में है और एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी, तब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये आ रहा है। और दूसरा केस ले लेते हैं हम, ये तो हो गया इस केस में के भाई ये जो है बिल्कुल यहां पे ना हो के किसी एक एंड के पास हो, किसी एक एंड के पास हो, या तो इस वाले एंड के पास या फिर इस वाले एंड के पास। हम मान लेते हैं वो इस वाले एंड के बिल्कुल पास है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया 0, और यहाँ पे जो इस तरह से एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो अल्फा वन है ये इसको हम उठा के ले गए बिल्कुल यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 0 और ये वाला एंगल बिल्कुल कितना हो गया, अब ये बिल्कुल इसके पास जा रहा है बिल्कुल अप्रोच कर रहा है इसको, तो अल्फा 2 तो हो गया 90 डिग्री और अल्फा 1 हो गया 0, तो अल्फा 1 हो गया 0 अल्फा 2 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। एट एनी एंड बट वेरी क्लोज, किसी एक एंड पर है लेकिन बहुत क्लोज है, किसी भी एक एंड पर है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो म्यू आई ओवर 4 पाई आर होगा। और जो एट एनी एंड होगा वो 1/2 होगा किसके, यहां पे कर दो इसको 2 × 2 म्यू आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है एट एनी एंड म्यू आई ओवर 2 पाई आर जो कि पहले मिडिल में था, एट मिडिल जो बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल में है उसका हाफ होगा इस पॉइंट पर। ये हो गया इसका दूसरा केस। तीसरा ले लेते हैं, तीसरे में तो देखो ये वाला पॉइंट को उठा के हम बिल्कुल एक्सिस पे रख दे, और एक्सिस पे हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एक्सिस पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड होता है 0 होता है, अल्फा 1 की वैल्यू 0 और अल्फा 2 की वैल्यू भी निकालोगे साइन अल्फा में रख के वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से यह जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम निकाल चुके हैं कि भाई ये इस तरह से इतना इतना होता है किसी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकालनी है और हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता देना है कि भाई कितना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।